आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा राजाओं की पुस्तक नवा अध्याय वचन 27 से 37। यह देखकर यहूदा का राजा अहज्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला और येहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ ही पर मारो। तो वह भी यिबलाम के पास की गूर की चढ़ाई पर मारा गया और मगिद्दो तक भागकर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी। अहज्याह तो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था। जब येहू यिज्रेल को आया तब इजबेल यह सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है, कौन? इस पर दो तीन खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी पांवों और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इजबेल का मांस यिज्रेल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और इजबेल का शव यिज्रेल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई न कहेगा यह इजबेल है।